Good afternoon, students. I am Sonali Sharma, and I am welcoming you all to our education YouTube channel, that is Sandhan Educom. In this channel, we are going to learn how to speak any new language, that is English, so fluently. So, इस channel पर हम ये सीखेंगे कि एक नई language जो कि English है, हम उसको fluently कैसे बोलना सीखें. हम कहीं भी जाते हैं, like interview में जाएं, airport में जाएं. या किसी रेस्टोरेंट में भी चले जाते हैं तो आप किसी वेटर को बुलाते हो तो वो आपसे सबसे पहले आकर क्या बोलता है. वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफ़ी मैम और सर. तो आती है ना अड़चन हम लोगों को इसकी इसका जवाब देने में कि अब क्या बोलें, क्या पूछ लिया इसने, तो ये तो क्या बोल रहा है. घबराहट होने लगती है ना कोई नई लैंग्वेज सुन के. तो बस इसी घबराहट को दूर करने के लिए मैं यहाँ हूँ, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं. अच्छा, बिफोर जंपिंग इनटू अ न्यू टॉपिक और बिफोर कमिंग इनटू अ न्यू टॉपिक और लर्निंग समथिंग, फर्स्ट वी शुड नो ना कि व्हाई वी हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज. हम इस लैंग्वेज को सीख करके करेंगे क्या, या किसी भी लैंग्वेज को सीख करके कि हम लोग क्या करना चाहते हैं. हम बचपन से ही हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम हिंदी सीखते हैं. और कोई जो साउथ में रहता है, जो कर्नाटक में रहता है, वो कन्नड़ सीखता है. जो केरल में रहता है, वो मलयाली में बात करता है. जो तमिलनाडु में रहता है, वो तमिल में बात करता है. गुजराती लोग गुजराती में बात करते हैं. गुजू पीपल ऑल जो देख रहे हैं हमारे चैनल को. सो लैंग्वेज क्या है, कभी आपने ये जानने की कोशिश की है? एनीबडी कमेंट में बताइए कि लैंग्वेज है क्या. व्हाई वी नीड एनी लैंग्वेज. इवन जब अगर हम हरप्पन सिविलाइजेशन की भी बात करें तो उसमें हम पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज का यूज़ करते थे, पिक्चर्स बना करके लैंग्वेज का यूज़ करते थे. क्यों करते थे हम ऐसा? व्हाई वी नीड दैट? जस्ट अ सिंपल आंसर, वी वांट टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ. बेसिक ह्यूमन नीड इज दैट कि ह्यूमन वांट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. उनको अपनी फीलिंग्स, वो क्या फील करते हैं, हाउ दे फील. दे आर फीलिंग गुड, बैड. कभी खुश हो जाते हैं, कभी हैप्पी हो जाते हैं, कभी सैड हो जाते हैं, कभी एंशियस हो जाते हैं, कभी एंग्री हो जाते हैं. सो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, हाउ टू एक्सप्रेस ह्यूमन, हाउ टू एक्सप्रेस. तो वो जो एक्सप्रेशन है हम लैंग्वेज के जरिए दूसरों को बताते हैं. सो इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत होती है. अगर हम बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, आई हैव मेट सो मैनी पीपल एंड दे आर वेरी एफ्रेड ऑफ दिस लैंग्वेज की हो हम कैसे बोलेंगे, हाउ वी स्टार्ट, हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, हाउ वी स्पीक. सो डरने की बात नहीं है. एंड आई हैव मेट मैनी पीपल जो बोलते हैं कि क्या हमें अमेरिकन इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्या हमें ब्रिटिश इंग्लिश सीखनी चाहिए. सो लेट मी क्लियर वन थिंग कि अमेरिकन, ब्रिटिश एंड इंग्लिश, इंग्लिश हमेशा सेम होती है. लैंग्वेज हमेशा सेम होगी, बट आपके बोलने का तरीका, हाउ यू स्पीक, दैट एक्सेंट, दैट डिक्शन, वो आपका डिफरेंट होगा. इसी को ही लोग बोलते हैं, ठीक है, आई नो अमेरिकन इंग्लिश और आई नो ब्रिटिश इंग्लिश. तो ये जो डिक्शन है आपका, वो डिफरेंट हो सकता है. एंड रियली स्टूडेंट्स, यू कैन नॉट अडेप्ट दैट डिक्शन और एक्सेंट सो फ्लुएंटली अंटिल अनलेस वहाँ पे आप जाएंगे नहीं, वहाँ के लोगों से आप बात नहीं करेंगे, वहाँ की सिविलाइजेशन या वहाँ के कल्चर को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप वो डिक्शन और आप एक्सेंट वो परसीव नहीं कर पाएंगे. हाँ, आप इंडिया में रहते हो, आप एक लैंग्वेज सीख सकते हो, उस लैंग्वेज में आपकी जो प्रॉब्लम है डे टू डे, आप उसको सॉल्व कर सकते हो. आप इंटरव्यू में जा सकते हो, इंटरव्यू में किस तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है उसको सीख सकते हो आप. बट अगर कोई YouTube पे आकर के ये बोलता है कि वो आपको अमेरिकन एक्सेंट सिखा देगा या ब्रिटिश एक्सेंट सिखा देगा, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको अमेरिकन एक्सेंट या ब्रिटिश एक्सेंट कभी नहीं आने वाला है, जब तक आप वहाँ पे जाकर के वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट करके आप वहाँ के कल्चर या सिविलाइजेशन को अडेप्ट नहीं करते हैं, या वहाँ नहीं रहते हैं, या वहाँ की चीज़ों को नहीं सीखते हैं. हाँ, लैंग्वेज की बात करें तो मैं लैंग्वेज सिखा सकती हूँ आपको. आपको इंडिया में रह के कैसे अपने इंटरव्यू को क्रैक करना है, कैसे आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हो तो उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है,
या कैसे आप किसी मूवी थिएटर में जाते हो या डे टू डे जो लाइफ की आपको प्रॉब्लम्स फेस आप करते हो, हाउ टू रिजॉल्व दैट आई कैन टीच यू. ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, कि बिफोर लर्निंग एनी लैंग्वेज हाउ डू वी लर्न दैट. सी लर्निंग इंग्लिश लर्निंग इज हैविंग टू पार्ट. फर्स्ट बेसिक रूल, वॉट आर द बेसिक रूल्स ऑफ दैट लैंग्वेज. हम हिंदी सीखते हैं, हम कोई भी चीज सीखते हैं, लाइक अगर आप क्रिकेट खेलना भी सीखते हैं या खाना बनाने भी सीखते हैं. अगर मैं आपसे बात करूं, हमारी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फीमेल हैं, और वैसे भी यू नो कुकिंग स्किल एक लाइफ स्किल होती है, सो इसको मेन भी रिलेट कर सकते हैं और बॉयज भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कुकिंग इज अ लाइफ स्किल, नॉट जेंडर स्पेसिफिक स्किल. सो अगर हम खाना बनाना सीखते हैं तो हमें बेसिक इन्ग्रीडियंट्स पता होते हैं, है ना, कि दिस इज शुगर, इसका टेस्ट कैसा होगा, हमें ये शुगर किस खाने में डालनी है, या ये सॉल्ट है तो इसका टेस्ट कैसा होगा, हाउ इट टेस्टेड, और ये हमें किस खाने में डालनी है. बेसिक अगर हम रोटी भी बनाते हैं तो हम पहले आटे को क्या करते हैं, उसको गूंथते हैं, फिर उसकी रोटी बनाते हैं. यही बेसिक प्रोसीजर्स होते हैं. चाय बनाने के अपने अपने प्रोसीजर्स होते हैं, हाउ टू मेक अ टी, दैट इज़ वेरी सिंपल प्रोसीजर. बॉयल अ वाटर, एड सम शुगर, एड सम चाय पत्ती इन इट, तो आपका जो भी आप बेसिक प्रोसीजर फॉलो करते हो चाय बनाते हो. तो भाई आप कोई लैंग्वेज सीखोगे उसके बेसिक रूल्स आपको आने चाहिए, कि कहाँ हमें सब्जेक्ट्स यूज करने हैं, वेयर वी हैव टू यूज सब्जेक्ट्स, वेयर वी हैव टू यूज वर्ब्स, वेयर वी यूज ऑब्जेक्ट्स. बेसिक वोकैबुलरीज आपको आनी चाहिए. दिस इज बेसिक थ्योरेटिकल रूल्स. अब नाउ हमें क्या सीखना है. सी आपको बेसिक रूल्स पढ़ाने वाले यूट्यूब पे बहुत लोग मिल जाएंगे, कि दिस इज सब्जेक्ट एंड हियर वी हैव टू यूज दिस सब्जेक्ट हियर. ये आपकी वर्ब है, यहाँ पे आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है, यहाँ आपको ऑब्जेक्ट कैसा लगाना है, यहाँ पे कौन सी वोकैबुलरी यूज करनी है. ये आपको हजारों लोग मिल जाएंगे. लेकिन व्हाई वी आर हेयर इन दिस चैनल, टू नो द एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल इन आर डेली लाइफ. हम इस रूल्स का एप्लीकेशन कैसे करें अपनी डेली लाइफ में. अगर मैं टेंसेस सीख रही हूँ, इफ़ आई एम लर्निंग अ टेंसेस, कि ये दिस इज अ प्रेजेंट टेंस, दिस इज अ पास्ट टेंस, दिस इज अ फ्यूचर टेंस, सो हाउ वी अप्लाई दीज टेंसेस इन आर डेली लाइफ, इसको सीखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं. एप्लीकेबिलिटी, वी आर हेयर टू लर्न दिस एप्लीकेबिलिटी. अगर मैं बोलू, मैं पढ़ाती हूँ, जस्ट अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में लिखने के लिए बेसिक रूल्स हैं. फर्स्ट हमने ये देख लिया कि ये प्रेजेंट टेंस है. ओके, हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने रूल भी लगाया. ये सब हम आगे पढ़ाएंगे आपको, ये सब आगे आप पढ़ोगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें. हियर आई एम जस्ट गिविंग यू माय एग्जांपल, आई एम मेकिंग माय पॉइंट हियर. सो आई टीच, ओके, मैं ये समझ सकती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे हमारी क्लास में जिनको बेसिक ग्रामर के रूल्स आते होंगे, बट what type of problem they are facing to apply these rules into their daily lives. उनको अपने daily lives में ये rule apply करने के लिए बहुत problem को face करने की ज़रूरत पड़ रही होगी. So in this channel we are going to learn how to apply these basic rules into our daily lives to learn a new language or to speak new language very fluently. Okay? So this is very basic thing. अगर आप कोई चीज़ सीखने जा रहे हो तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए,
आप एक आपके अंदर पेशेंस के साथ साथ परसिवरेंसेस भी होनी चाहिए, वरना आप नहीं सीख पाएंगे। वो एक दोहा नहीं है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, जब ऋतु आए तो फल होए। समझे आप कि धीरे धीरे करने से ही, एक लगातार उस काम करने, लगातार उस काम को करने से, परिश्रम करने से वो काम होगा। ठीक है, अगर आप ऋतु आने से पहले भी उस पेड़ को या पौधे को 100 घड़े से भी सींच लेते हो, तब भी जब ऋतु आएगी तभी ही वो पौधा फल देगा। ऐसे ही हमारी जो भी हम सीखते हैं अपनी लाइफ में वो ऐसे ही है। आप कुकिंग भी सीखोगे, आप इंग्लिश भी सीखोगे, आप कोई भी लैंग्वेज सीखोगे ना, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, आपको अपनी गलतियों को पकड़ना पड़ेगा, आपको उस चीज़ को बोलना पड़ेगा दूसरों से। इंग्लिश सीख रहे हो तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा आप उसको इंग्लिश में दूसरों से। नाउ इन दिस क्लास, जो कि हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें मैं आपको बताऊंगी, आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग एनी कन्वर्जेशन, आप अगर किसी कन्वर्जेशन को क्रैक करना चाहते हो, अगर आप किसी पार्टी में भी हो, सपोज आप एक पार्टी में जा रहे हो, ओके, और थोड़ी प्रोफेशनल टाइप की आपकी पार्टी है, आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है, आप बड़े अच्छे से ऑफिसर बन जाते हो, या आप बड़े अच्छे एक पोस्ट पर हो, आप किसी पार्टी में जाते हो और आपको आपके साथ बहुत सारे आपके कलीग्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे पर्सनल फ्रेंड्स हैं, कुछ आपको जानते हैं, कुछ आपको नहीं जानते, उस चीज़ को क्रैक करने के लिए आप उनसे कैसे मेल व्यवहार बनाओगे? क्योंकि भैया इंग्लिश का ज़माना है ना, और जो बोलना जानता है उसी का ही बोलबाला है मेरे हिसाब से। तो आप कैसे उस चीज़ को क्रैक करोगे? आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? अपने आप का इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? कैसे लोगों को पता लगेगा, कैसे आप लोगों को पता लगेगा कि आप हो कौन, है ना? तो अगर आप स्टूडेंट भी हो, आप किसी क्लास में आते हो, 60 बच्चों की क्लास है, कॉलेज में जाते हो, तो टीचर को कैसे बताओगे हु आर यू? तो बेसिक आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के बेसिक 5 पॉइंट्स होते हैं, और उन पॉइंट्स पे ही चल के हम पूरा अपना एक खांचा या स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। फर्स्ट पर्सनल इंट्रो, जैसे हमारा नाम आता है, आर नेम, आर सिटी, ओके, आर फादर्स नेम, आर मदर्स नेम, लाइक दिस थिंग, दीज थिंग्स। आजकल फादर्स नेम या मदर्स नेम लोग नहीं बोलते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, एंड दैट इज नॉट राइट, आपको बोलना भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर उनसे जुड़ी हुई कोई खास बात है कि मेरे फादर आर्मी में थे, या मेरी मदर ने ये चीज़ अचीव करी है, तो उसको आप एक अचीवमेंट में या एक एक वैलिडिक्शन में आप बता सकते हो। आपकी हॉबीज क्या क्या हैं, व्हाट डू यू लाइक, आपके इंटरेस्ट क्या क्या हैं, आपके स्किल्स क्या क्या हैं, योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ, एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी, आप किसी से बात कर रहे हो, भले वो आपके प्रोफेशनल फ्रेंड हो, भले वो आपके पर्सनल फ्रेंड हो, कोई भी किसी भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, तो आपको अपने इंट्रोडक्शन देते वक्त या उस कम्युनिकेशन को क्रैक करने के लिए आपको उसकी चीजें भी जाननी पड़ेंगी। सो दैट कन्वर्सेशन, जो आपके इंट्रोडक्शन के बाद आता है, हाउ टू कम्युनिकेट, आप अपनी सुनाते जाओ सुनाते जाओ सुनाते जाओ और सामने वाले की सुन भी नहीं रहे हो, तो दैट इज नॉट अ गुड कन्वर्सेशन। आई कैन नॉट से कि ये बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई, कि अगर मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और आपको अपनी बात सुनाती जा रही हूँ सुनाती जा रही हूँ सुनाती जा रही हूँ, और आपसे मैं कुछ सुन ही नहीं रही हूँ, आपके कमेंट्स को मैं इग्नोर कर दे रही हूँ, तो दैट इज़ नॉट गुड, है ना? ये तो सही नहीं है ना। सो ये बेसिक चीज़ है जिसको हम अपने इंट्रोडक्शन में डालते हैं और एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। हम इस क्लास में ये सीखेंगे। दूसरा हम क्या सीखना चाहेंगे,
ये इंट्रोडक्शन हो गया. दूसरा, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं, इफ आई एम सेइंग कि मुझे लैंग्वेज सीखनी है, मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है, बट मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, यू नो, मेरे पास उस लैंग्वेज को जानने के लिए शब्द ही नहीं है, वर्ड्स ही नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ. अगर मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है, या हम कहीं बाहर चलते हैं, ये खाते हैं, वो पीते हैं, तो कैसे मैं बोलूँगी अगर मेरे पास शब्द ही नहीं होंगे बताने के लिए अपनी फीलिंग, है ना. तो इंग्लिश में सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमारा क्या होता है, हमारे वर्ड्स, हमारी वोकैबुलरी. और वोकैबुलरी कोई स्टैटिक टॉपिक नहीं है, वोकैबुलरी इज नॉट अ स्टैटिक टॉपिक. वो हर दिन नहीं होती है, हर दिन आपको ऐड करना होता है, हर दिन आपको पढ़ना होता है, डेली टू डेली बेसिस पे आपको सीखना पड़ता है. तो दूसरी चीज हम क्या सीखेंगे, वोकैबुलरी. और उस वोकैबुलरी को हम डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं. जैसे मैं बोलूं कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, ठीक है, तो घबराहट की वोकैब आपको जब नहीं आती होगी ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप कैसे बताओगे, आई एम नॉट फीलिंग गुड, यही बोलोगे आप, आई एम नॉट फीलिंग गुड, जब आपके पास ढंग की वोकैबुलरी नहीं होगी. लेकिन अगर आपको पता होगा कि आई एम फीलिंग एंशियस, इसको बोलते हैं, ओके, नाउ राइट नाउ आई एम वेरी एंशियस, तो आपकी वोकैबुलरी में कहीं ना कहीं एक नया वर्ड ऐड होगा, ओके. ये चीज बहुत अच्छी है, बहुत अतुल्य है ना. अगर मुझे अतुल्य का मतलब नहीं पता होगा तो मैं कैसे बताऊंगी इंग्लिश में कि मुझे ये कैसी लग रही है, दिस इज वेरी इनक्रेडिबल, ओके. जैसे मैं बोलूँ तुम्हारी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी, तो मैं क्या बोलूँगी अगर मुझे इसकी वोकैब नहीं पता होगी, इसका मीनिंग नहीं पता होगा इंग्लिश में, योर परफॉर्मेंस इज वेरी आउटस्टैंडिंग, और यू सेट स्टेज ऑन फायर, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग. बट उसके लिए हमें क्या सीखने होंगे, शब्द सीखने होंगे. शब्द के बाद कई बार हम, अच्छा हिंदी में हम लोग सभी एक कहीं ना कहीं एक बहुत ही बोल सकते हैं ऐसी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं जहाँ पे मुहावरे और लोकोक्तियों का बहुत प्रयोग होता है, होता है. जैसे हमारे घर में आपको देखकर लोग बोलते होंगे, आपकी मम्मा बोलती होंगी, आपके पापा बोलते होंगे, अरे मेरा बेटा ये तो मेरी आंखों का तारा है ना. ऐसे शब्दों का, ऐसे फ्रेजेस का यूज होता है, होता होगा ना, ये तो मेरी आंखों का तारा है, ये दोनों तो तलवार की नोक पर है, बोलते हैं. तो इन सारे वर्ड्स को या इन सारे फ्रेसेस को आप कैसे इंग्लिश में बोलोगे, जैसे ही इज अ एप्पल ऑफ माई आईज, वो मेरी आंखों का तारा है, वो दोनों तलवार की नोक पर रहते हैं, दे आर एट डैगर्स ड्रॉन, ओके. तो ये सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे, वोकैब पार्ट. बट वोकैब पार्ट जितना स्टैटिक नहीं होता है, डायनेमिक होता है, हमको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए. वोकैब के बाद हम छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे, हम खुद कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है. मैं आपको पढ़ाऊंगी, एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप मुझे उस वोकैब का खुद से एप्लीकेशन बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे कमेंट सेक्शन में कैसे करना है और उनको कैसे अप्लाई करना है. तो इस पूरे क्लास में हम बेसिक रूल्स को कैसे एप्लीकेबिलिटी में लाते हैं, एप्लीकेशन सीखेंगे, नए शब्द सीखेंगे, लाइक वोकैबुलरी सीखेंगे, उन शब्दों का डे टू डे लाइफ में प्रयोग कैसे करना है वो सीखेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करना, लाइक वेरी बेसिक रेस्टोरेंट की, अगर हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट में किस तरीके से चीज़ों को बोलना है, रेस्टोरेंट एटिकेट्स क्या हैं, वहाँ के एथिक्स क्या हैं वो सीखेंगे. हॉस्पिटल जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, वहाँ के बेसिक एथिक्स क्या हैं, वहाँ के डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं वो सीखेंगे. हम अगर फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो इनफॉर्मल इंग्लिश में कैसे बात करना है वो सीखेंगे. अगर हम इंटरव्यू क्रैक करने जा रहे हैं तो इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए फॉर्मल इंग्लिश में बात करना है तो वो कैसे करना है वो सीखेंगे. सो वी विल लर्न दीज टाइप ऑफ थिंग्स इन दिस क्लास. नाउ आपको मैं 5 वर्ड्स दे रही हूँ, बहुत बेसिक वर्ड्स हैं वोकैबुलरी के, जिनकी मीनिंग मैं बताऊंगी, बट कल की क्लास में आपको उनका एप्लीकेशन करके लाना है, हाउ यू यूज दैट वर्ड इनटू डेली लाइफ, ओके. फर्स्ट वर्ड इज एपथेटिक. आप लोग एक अपनी नोटबुक में लिख लीजिए ये वोकैब के वर्ड्स. हर दिन हम 5 से 10 वोकैब के वर्ड्स करेंगे.
Second, baffling. Third, circumspect. Fourth, incredible. And our fifth word is anonymous. Okay, इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ और इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे, आज की क्लास में इतना ही करते हैं. एपथेटिक का मतलब होता है इनडिफरेंट या अनइंटरेस्टेड, जिसको किसी की बात में कोई इंटरेस्ट ना आ रहा हो. जैसे मान लीजिए हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, जिसमें से 50 बच्चे हैं पढ़ने वाले, और एक बच्चा है बस उसने यूट्यूब चैनल खोल लिया और वो बैठा हुआ है और वो कुछ और सोचे जा रहा है, वो रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा है, उसे इंटरेस्ट भी नहीं है, है ना. तो ये क्या है, अनइंटरेस्टेड. दूसरा वर्ड है हमारा बैफलिंग, दैट इज पजलिंग. ऐसी कोई चीज मैं आपके सामने बोल दूं, चलिए मैथ्स का एग्जांपल ले लेते हैं. मैथ्स में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसको देखकर आपका दिमाग घूम जाता है ना, पजल्ड हो जाते हो ना आप लोग, पजलिंग. फिर आता है हमारा थर्ड वर्ड सर्कमस्पेक्ट, दैट इज कॉशियस. कॉशियस का मतलब ये होता है कि किसी चीज को सोच समझ के करना, बहुत ज्यादा उस पर सोच विचार करके उस मुद्दे पर सोचना और करना, बहुत कॉशियस होना. थर्ड वर्ड है इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल का मतलब होता है अतुल्य, अतुलनीय या अनबिलीवेबल. आप कोई ऐसी चीज देख लो, आपको देखने लगे ओ माय गॉड, जैसे ताजमहल को आप देख लो, है ना. Unbelievable. फिर आपके पास लास्ट वर्ड आता है anonymous. अच्छा, anonymous तो सबने अपनी डेली टू डेली लाइफ में कहीं ना कहीं तो सुना होगा, है ना. गेम वगैरह भी खेलते हो तो मुझे, गेम वगैरह आप खेलते हो तो उसमें एक प्लेयर का नाम आता है anonymous, ऐसे करके, जिसके बारे में कुछ ना पता या हम जिसका नाम नहीं जानते हैं. वन नेम इज नॉट. अब ये फाइव वर्ड्स हैं हमारे पास जिसकी मीनिंग मैंने आपको बता दी है, और आपको क्या करना होगा कि इस फाइव वर्ड्स का एप्लीकेशन करके लाना है सेंटेंसेस में, और कल हम डिस्कस करेंगे आगे की हमारी क्लास और इन वर्ड्स को. नमस्कार एंड बाय बाय.